अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम इमरान असलम, यू आर वाचिंग गुरु स्किल चैनल। आज आपको मुतलका दिए गए टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि गुरु स्किल के आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि लॉकडाउन है एक तो, और दूसरा क्योंकि ये आफत जो कोरोना की शक्ल में आई है ये अचानक आई है, तो इसके लिए कोई प्री प्लान हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि हम वो यकमुश्त उसको इम्प्लीमेंट करते और कोई ना कोई उसका रिजल्ट हमें हासिल हो जाता। तो रिसेंटली एक प्रॉब्लम आ रहा है एहसास प्रोग्राम के रिलेटेड कि अक्सर लोगों को रजिस्ट्रेशन के वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना आ रहा है। जैसे कि अक्सर लोग मैसेज सेंड करते हैं तो वो नहीं हो पा रहा, दूसरे नंबर पे अगर मैसेज सेंड हो भी जाता है तो लिखा हुआ मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि आप अपनी जिले इंतजामिया से रब्ता करें। तो अब क्योंकि लॉकडाउन है और ये काम तो बहुत मुश्किल है, तमाम दफातर भी बंद हैं। अब काफी सारे जो हमारे व्यूअर्स थे, हमारे सब्सक्राइबर्स थे, उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। तो उनके लिए गुरु स्किल ने आज की लेटेस्ट अपडेट दी है कि आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो कि 12,000 रुपए के हवाले से है, जो कि आपको अमदाद दी जाएगी, उसका तरीका कार ऑनलाइन वेबसाइट पे वजह कर दिया गया है। अब आप घर बैठे इस तमाम मुश्किलात को सामने रखते हुए घर बैठे खुद भी इसका डाटा दर्ज कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। जबकि आप जानते हैं कि इससे पहले 2-3 तरीके वजह करने की कोशिश की गई, जैसे कि इजी पैसा था या डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन थी। इजी पैसे में भी अक्सर ये प्रॉब्लम आ रहे थे कि लॉकडाउन था और शॉप्स वगैरह ओपन नहीं थी, तो इसलिए फिर लोगों का आना जाना शॉप्स की तरफ, और कोरोना कुछ इस तरह की बीमारी है कि फिर वही गैदरिंग वाला इशू बन रहा था। तो सेकंड पे अगर घर से घर डिस्ट्रीब्यूशन करवाई जाती पैसों की, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि लोग फिर एक दूसरे को मेल मिलाप करेंगे और इस तरह एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने से काफी चांसेस थे कि कोरोना वायरस जो कि वबा की सूरत में फैल चुकी है, इसका मजीद फैलने का खदशा था। और कुछ लोगों के ये भी थे कि कौन से लोग मुस्तहिक हैं और किन पे ये लागू होता है और क्या ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो उसमें ये है कि कुछ अभी क्योंकि इब्तदा है, ये स्टेप बाय स्टेप कुछ अज़ला में चलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके हवाले से मजीद अपडेट्स आती रहेंगी और मजीद लोगों को हम भी अपडेट करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज की स्कीम जो कि आपको घर बैठे हम बताएंगे कि कैसे आपने ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, कोई मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप घर बैठे अपना डाटा दर्ज करवाएं और लोगों को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लोगों का डाटा दर्ज भी करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। तो आज के इस टॉपिक इस अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ehsas.nadra.gov.pk एहसास, ये वेबसाइट है ehsas.nadra.gov.pk। अगर आप कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को आए तो वो मुझे कमेंट्स भी कर दे, तो मैं वहां पे भी उसको शेयर कर दूंगा। अगेन मैं यहाँ पे इसको टाइप करता हूँ
ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। एहसास EHSAAS.NADRA nadra.gov.pk और स्लैश में उसके लिखेंगे एहसास, जो कि इस प्रोग्राम रिलेटेड है। अगर हम यहां पे डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो के एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम है जिसका वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें जस्ट आपने अपना बेसिक डाटा दर्ज करना है और इसके हवाले से हम आपको गाइड करते चलें कि सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फ्राहम करेंगे आप। इसमें डैश वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी डैश खुद ही ऐड होंगी। ये मैं एक रफ सा, उसके बाद कोड देंगे यहाँ पे, अगर क्लियर ना हो तो इसको रिफ्रेश कर लें। E3R अच्छा, शनाख्ती कार्ड नंबर देने से आप अपनी अहलियत चेक कर पाएंगे यहां से ऑनलाइन सिस्टम से। अगर आपका डाटा ऑलरेडी ऐड हुआ तो आपको मालूम हो जाएगा, अगर आप नहीं ऐड होंगे तो अपनी अहलियत की तस्दीक के लिए आपको ऑनलाइन इंदराज करवाना पड़ेगा और इसके नीचे तस्दीक करेंगे, तस्दीक पे क्लिक हो जाएगा तो ये आपका डाटा एहसास प्रोग्राम के पोर्टल पे सेव हो जाएगा। अब कुछ सवालात हैं, जो कुछ इबहाम हैं उसके हवाले से भी उन्होंने पोर्टल पे ही इसकी डिटेल दे दी है। इसमें लिखा गया है कि अक्सर पूछे गए सवालात में इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है तस्दीक के लिए आप 8171 पर SMS भेज सकते हैं या आप ऑनलाइन इसकी तस्दीक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं अपने वालिद या शरीक हयात की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फ्राहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद वाला शरीक अहल हैं तो आप ये आपको SMS के जरिए बताया जाएगा, यानी कि आपके जो फैमिली रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपके मैसेज के जरिए आपको दे दी जाएगी। उसके बाद पूछा गया वेबसाइट के जरिए अपने आप को रजिस्टर करने का तरीका, आप अपने शनाख्ती कार्ड मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद अपना इंदराज कर सकते हैं, आपसे आपका पेशा और बयान तलब किया जाएगा, रकम कब मुंतकिल होगी। अक्सर लोगों के सवाल ये आ रहा है कि मुझे आपकी दरख्वास्त आपको SMS के जरिए ही आगाह किया जाएगा, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो SMS के जरिए ही होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि अक्सर लोग आजकल क्योंकि जो भी ट्रेंड होता है उसमें स्कैम स्पैम इस तरह के बहुत सारी कॉल मैसेज अलर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे जरा बचिएगा, ये ना हो कि कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसी बहाने से आपसे ले ले। क्या खानदान के सारे फरान दराज में हिस्सा ले सकते हैं, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खानदान का सिर्फ एक बंदा ही इसमें इंदराज में शामिल हो सकता है, क्या इसमें बैलेंस कटेगा। जी, इसमें एक रुपया फी SMS बशमूल जो टैक्स होगा वो इसमें कटौती होगी। तो इस तरह जो भी बहाम जो भी आपके प्रॉब्लम थे वो क्लियर हो जाएंगे और आप मजीद ऑनलाइन इजी तरीके से इसको अपडेट कर सकेंगे। दुरुस्त स्किल्स की टीम हमेशा उम्मीद रहती है कि हमारी अपडेट्स और स्किल से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी कवरेज अगर पसंद आई हो तो जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि सब ही जितनी भी अपडेट जितनी भी स्किल्स ये इस चैनल पे अपडेट होती हैं उनसे वो रोशनास हो सके और एंड पे फिर कहेंगे गुरु स्किल्स एक से बढ़कर एक अपडेट और स्किल के साथ
مزید حاضر ہوں گے نیکسٹ